हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले सवाल के तौर पर, एक ऐसा मंत्रालय आपके पास है जो कोरोना की वजह से तीनों चीजें, चाहे सड़क परिवहन की हो, चाहे हाईवेज की हो या फिर एमएसएमई हो, वो एक तरीके से बंद हो गई हैं, उस पर काम ना के बराबर है। अब जब कोरोना का कहर खत्म होगा या हम लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, क्या रिवाइवल प्लान है आपके पास? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही के पास है, एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। ये केवल हम लड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, सब जगह ये संघर्ष है। और हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि पहले कोरोना के खिलाफ की लड़ाई हम जीते, और ये लड़ाई जीतने में, जैसे अरुणाचल और गोवा का उदाहरण है कि वहाँ अभी कोरोना के पेशेंट जीरो है, और केरल ने भी जिस प्रकार से यश हासिल किया है, उसी के दृष्टि से पूरे देश में उसी प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। ये कोरोना की लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसके लिए वैक्सीन भी मिलेगा और उसको डिटेक्ट करने के बारे में मॉडर्न सिस्टम भी मिलेगी। पर यह सब लड़ाई जब लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी आर्थिक लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के कारण हमारे एमएसएमई के सेक्टर पर काफ़ी बड़ा परिणाम हुआ है। इंडस्ट्री बंद है, रोजगार नहीं है, इसलिए लोग रोड पर जा रहे हैं। अभी आपने रेलवे का हादसा बताया, ये सब गंभीर और दुखद है। और इसलिए हम सबको कोरोना से लड़ाई लड़ते समय ही जीवन जीने की एक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। जो स्लोगन आपने शुरुआत में दिया था वो सबसे सही है कि एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए मास्क का उपयोग करें, 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करें, और घर में, ऑफिस में, कहीं भी जाते आते समय सैनिटाइजर से हाथ धोए। दूसरी ओर इंडस्ट्री में हम उसकी धीरे धीरे नेशनल हाईवे में शुरू कर दिए, 65-70% ट्रैफिक आ गया है, पोर्ट शुरू कर दिए हैं, इंडस्ट्री भी शुरू हुई है, कुछ काम भी शुरू हुए हैं। देखो, काम शुरू हो जाएंगे तो रोजगार हासिल होगा, और जो भय है उसके कारण लोग अपने घर वापस लौटने की जो कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो अपने घर से इतने दूर क्यों आए कि उनके गांव में, उनके ज़िले में, उनके राज्य में उनको रोजगार का साधन नहीं था और मजबूरी के कारण आए हैं। अगर हमने रोजगार शुरू किया, गाइडिंग प्रिंसिपल जो कोरोना के भारत सरकार के और राज्य सरकार के, उसका पालन करते हुए, तो धीरे धीरे ये इकोनॉमिक वॉर में हम लोग ये भी रोजगार अगर सुरक्षित कर सके तो लड़ाई लड़ने में निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।